नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को एक सेल्फी पॉइंट बनाने का विचार रखा, जिसका नाम फिल्म केदारनाथ के मुख्य अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा गया है, जिस पर कांग्रेस ने गहरी आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है कि दिवंगत अभिनेता के प्रशंसकों और केदारनाथ आने वाले पर्यटकों के बीच केदारनाथ में इस पॉइंट पर उनकी तस्वीर खींची जा सकती है, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि किसी धार्मिक स्थान पर ऐसा स्थान बनाना अनुचित होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया है। सीएम भगवंत मान ने विजय सिंगला के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिलने के बाद ये कार्रवाई की। सीएम भगवंत मान ने साथ ही पंजाब पुलिस को विजय सिंगला के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश भी दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उदयपुर नवसंकल्प घोषणा को लागू करने के लिए टास्क फोर्स 2024 समेत तीन पैनल की घोषणा की, जिसमें एक राजनीतिक मामलों का समूह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक टास्क फोर्स और अक्टूबर से शुरू होने वाली प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा के समन्वय के लिए एक पैनल शामिल है। बता दें कि कांग्रेस ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी सुनील कानून गोलू को पार्टी के चुनाव प्रबंधन के लिए चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को टोक्यो में चार देश के समूह क्वाड की आमने सामने की दूसरी शिखर वार्ता में कहा कि क्वाड देशों के बीच आपसी विश्वास और दृढ़ संकल्प न सिर्फ लोकतांत्रिक ताकतों को नई ऊर्जा दे रहा है, बल्कि एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक रचनात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है, जो वैश्विक भलाई की दिशा में काम करने वाली एक ताकत के रूप में उसकी छवि को और मजबूत बनाएगा। विश्व स्वास्थ्य मंच शिखर सम्मेलन के पहले दिन तेलंगाना कई कंपनियों से निवेश आकर्षित करने में सफल रहा। इन कंपनियों में लुलु समूह ने 500 करोड़ रुपए, जबकि स्पेन की केमो फार्मा ने अगले दो साल में 100 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। सोमवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित WEF शिखर सम्मेलन में तेलंगाना प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री KT रामा राव ने विभिन्न उद्योगपतियों के साथ कई बैठक की। बैठक में कई कंपनियों ने राज्य में निवेश को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20वें वार्षिक दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ISB के डीन प्रोफेसर मदन पिल्लू तला ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि ISB के 20वें वार्षिक दिवस समारोह में प्रधानमंत्री के शामिल होने से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO RS शर्मा ने कहा है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ट्राई और दूरसंचार अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने ये बात तब कही है जब 8 पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सभी राज्यों में कनेक्टिविटी खराब है और इससे नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुचारू डिलीवरी प्रभावित हो रही है। अमेरिका स्थित दिग्गज फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन पार्टनर BioNTech ने दावा किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए 80% तक प्रभावकारी है। फाइजर ने यह दावा अपने शुरुआती आंकड़ों के सामने आने के बाद किया है। वैक्सीन के लिए सुरक्षा डेटा 5 साल से कम उम्र के 1678 बच्चों पर आधारित है, जिन्हें ओमिक्रॉन लहर के दौरान दूसरी डोज के कम से कम 2 महीने बाद तीसरा शॉट मिला है। भारत में 1675 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,40,068 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या मामूली बढ़त के साथ 14,841 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी अद्यतन आंकड़ों से ये जानकारी मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार COVID-19 से 31 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,490 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.03% रह गई है, जबकि COVID-19 से स्वस्थ होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.75% है। जम्मू के 22 वर्षीय इमरान मलिक को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है, जहां उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से बधाई दी जा रही है। वहीं जम्मू में उनके पैतृक इलाके में जश्न मनाया जा रहा है। इमरान के पिता अब्दुल राशिद मलिक नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह सब्जी और फल बेचे, इसलिए उन्होंने इमरान को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने से कभी नहीं रोका। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के विभिन्न विभाग द्वारा प्रस्तुत मांग पत्रों के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन किया गया है। प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश के लिए 797 विभिन्न राज्य पत्रित पदों पर भर्ती करने जा रहा है। आवेदक भारत के नागरिक और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवासी होंगे। उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 42 के बीच होनी चाहिए। हालांकि SC ST EWS और PWD सहित विभिन्न श्रेणियों में आयु में छूट प्रदान की गई है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में सोमवार को मौसम की पहली मध्यम तीव्रता वाली आंधी के प्रभाव के चलते भारी बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। स्काईमेट वेदर के अनुसार एक और पश्चिम विक्षोभ उत्तरी अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बने चक्रवाती परिसंचरण से लेकर दक्षिण हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार और झारखंड होते हुए गंगीय पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है।
झारखंड और बिहार में 7 जगहों पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी छापेमारी कर रही है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और माइनिंग घोटाला से मामला जुड़ा है। रांची में कुल 6 जगहों पर जबकि बिहार के मुजफ्फरपुर में 1 जगह पर छापेमारी की जा रही है। वहीं एक बार फिर गोड्डा स्थित निशिकांत दुबे ने आज की छापेमारी को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देखिए भैया, हम देर से ट्वीट कर रहे हैं, आज जो छापा चल रहा है ईडी का, वो झाजी और चौधरी जी पर चल रहा है जो झारखंड के किसी राजा के यहाँ धन पहुंचाने के बिचौलिए थे। केंद्र सरकार की तरफ से शनिवार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य की जनता को दोहरी राहत दी है। केंद्र के फैसले के अगले दिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने रविवार को पेट्रोल पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट में 2.08 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.44 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी। इससे पहले राजस्थान और केरल की सरकार ने भी वैट में कटौती का फैसला लिया है। आलिया भट्ट के प्रोडक्शन में बनी डार्लिंग्स पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में बनी है। फिल्म कब और कहां रिलीज होगी, इस बारे में अभी तक लगातार फैंस सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे थे और अब खुद आलिया भट्ट ने इन सवालों के जवाब दे दिए हैं। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें बड़े दिलचस्प अंदाज में फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए जाने की जानकारी दी गई है। दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार के संबंध में दायर अपील पर साकेत कोर्ट में आज सुनवाई खत्म हो गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया है कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मंदिर परिसर के स्थान पर बनाई गई है। कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए फैसला सुनाने के लिए 9 जून की तारीख तय की है। राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी तेजी से काम करती भी नजर आ रही है। खबर है कि पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उदयपुर नवसंकल्प घोषणा पत्र को लागू करने के लिए टास्क फोर्स गठित कर दी है। शिविर के तीसरे दिन यानी कि अंतिम दिन पार्टी अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि आंतरिक सुधारों को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसके अलावा पार्टी ने 2 और समूह बनाए हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती और रसोई गैस पर गरीबों को 200 रुपये की सब्सिडी देने के बाद केंद्र सरकार कुछ और राहत पर विचार कर रही है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि एडिबल ऑयल जैसे चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा सकती है। इसके अलावा आयात होने वाले कुछ कच्चे माल पर भी राहत मिल सकती है। इससे कई उत्पादों के दाम में भी कमी आ सकती है। कई आयातों पर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगता है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को 2 प्रमुख हाउसिंग कॉलोनियां हैं, एक दिल्ली और में और एक दूसरी मुंबई में। हालांकि इसने अपने कर्मचारियों से 26 जुलाई तक सरकारी आवासीय कॉलोनियों को खाली करने को कहा है। एक आधिकारिक दस्तावेज में ये जानकारी मिली है। टाटा समूह ने गत वर्ष 8 अक्टूबर को एयर इंडिया की बोली जीती थी, लेकिन विनिवेश के नियमों के अनुसार एयरलाइन की नॉन कोर संपत्ति जैसे कि आवासीय कॉलोनी का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। कांग्रेस छोड़ने वाले गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर अटकलें जारी है। हालांकि एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने 10 दिनों के भीतर बड़ी घोषणा के संकेत दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के ही साथ ही रहे जिग्नेश मेवानी की टिप्पणियों पर भी जवाब दिया। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे पटेल ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया था। वो लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय में सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय बुधवार को 3-2 से फैसला सुनाने वाला है। फैसले के अनुसार ऑफिस ऑफ सीजेआई आरटीआई के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि ट्रांसपेरेंसी जुडिशियल इंडिपेंडेंसी को कमतर नहीं आंकती है। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस का पद सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पुनावाला ने कहा है कि उनकी कंपनी को कम से कम 20 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज नष्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों को वैश्विक महामारी संधि का हिस्सा बनना चाहिए जिससे ऐसे संकटों का सामना मिलकर किया जा सके। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के सभी टिकट सिर्फ ऑनलाइन बुक प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अल इस्लाम टूर कॉरपोरेशन द्वारा दायर इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें साल 2022 में हज के लिए बनी निजी टूर ऑपरेटर के रूप में विचार करने की मांग की गई थी। जस्टिस अब्दुल नजीर और नरसिम्हा की पीठ ने अल इस्लाम टूर कॉरपोरेशन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इनके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की मांग की और संबंधित उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता मांगी। भारत की 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को WHO द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। WHO की तरफ से आशा स्वयंसेवकों को यह सम्मान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अभियान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में सुधारों के लिए टास्क फोर्स 2024 और सलाहकार समूह का गठन कर दिया है। राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में इसका ऐलान किया गया था। सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर में टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना और मंकी पॉक्स दुनिया में सामने बड़ी चुनौती है। अब तक 15 देश में मंकी पॉक्स संक्रमण के 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। जुनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित करते हुए WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गैब्रेसस ने कहा है कि कोरोना महामारी भी निश्चित रूप से अभी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा 21 देशों में बच्चों में एक लहस में हेपेटाइटिस के कम से कम 450 मामले दर्ज किए गए हैं। 7 साल पुराने रोड रेज के मामले में पटियाला की केंद्रीय जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू को डॉक्टरों ने अपना भार कम करने की सलाह दी है। बताया जाता है कि जांच में डॉक्टरों ने जांच में पाया है कि सिद्धू के लिवर में इन्फेक्शन है और उनका लिवर इस समय फैटी हो गया है। अब सिद्धू को वीट एलर्जी के बारे में भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। असम में भारी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ और भूस्खलन की दोहरी मार लोग झेल रहे हैं। बाढ़ की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हो रहा है। बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। असम के 34 जिलों में से 22 जिले गंभीर रूप से बाढ़ग्रस्त है। नागांव जिले के दिफालू गांव में किसान अपने बाढ़ग्रस्त खेतों में धान की फसल काट रहे हैं। एक किसान का कहना है कि हमने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है और जो कुछ बचा है उसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि हमें अपने परिवार के लिए कुछ मिल सके। देशभर में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत ही विभिन्न राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर आज से उम्मीदवार नामांकन अपना भरने वाले हैं। बिहार की भी सीटों की चर्चा हो रही है, जिसमें कुल मिलाकर 5 सीटों पर चुनाव का आयोजन होने वाला है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है मोनू सिंह, संदीप कुमार पासवान, रोहित कुमार पासवान, अमृता कुमारी, मनोज कुमार, दीपक कुमार गुप्ता, सौरभ रविराज, अन्नपूर्णा किचन, दीपू कुमार, दीक्षा कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार वर्तमान समय में भाजपा को टक्कर देने वाली पार्टी कौन सी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।